नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में हमने एक पाठ पढ़े थे, उस पाठ का नाम था हमारी ताकत और जिम्मेदारियां। नेहरू जी ने कहा कि हमें इस देश को जबरदस्त मजबूत देश बनाना है। इसके 40 करोड़ आदमी मिलकर एक तरफ देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमारी ताकत बड़ी। बड़े हथियार के नहीं बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों की ताकत थी और दिलों का मेल था। अब हम इस पाठ के बाकी विषय को पढ़ लेंगे। आज की हालत। नेहरू जी ने कहा कि आज अजीब हालत है। मैंने देखा पुराने जमाने में अक्सर बड़े जोरों से काम होते थे, मुकाबला होता था। मुकाबला कहते आमना सामना होता था आजादी की लड़ाई में। पुराने जमाने में अक्सर बड़े जोरों से काम होते थे, मुकाबला होता था आजादी की लड़ाई में। इसका अर्थ आजादी की लड़ाई में बड़े जोरों से काम होते थे, मुकाबला होता था और फिर मैं देखने लगा कि अक्सर लोग जो पगले काम करते थे अब उस काम की याद में आराम करते हैं। अक्सर लोग पगले जो काम करते थे लोग जो पगले काम करते थे अब उस काम की याद में ये काम करते थे ना उस काम की याद में आराम करते हैं। जगह काम के बजाय आराम ज्यादा हुआ वगा कौम कमजोर हुई, राष्ट्र कमजोर हुई। अक्सर लोग जो पगले काम करते थे अब उस काम की याद में ये काम करते हैं ना काम करते थे ना उस काम की याद में आराम करते हैं। जगह काम के बजाय आराम ज्यादा हुआ वगा कौम कमजोर हुई है। हिम्मत के बजाय सुस्ती आ गई, अब हिम्मत के बजाय सुस्ती आ गई तो कौम कमजोर हुई। ये सब आज की हालत है, इसलिए जरा हमें बुनियादी बातों की तरफ देखना है। एक दिन सवेरे हमारे राष्ट्रपति राजघाट गए, मैं भी गया और कुछ और लोग भी गए। नेहरू जी ने कहा कि एक दिन सवेरे हमारे राष्ट्रपति राजघाट गए, मैं भी गया, कुछ और लोग भी गए, मगर एक फर्ज, फर्ज कहते कर्तव्य अदा करने नहीं बल्कि कुछ ताकत शक्ति
लेने अपने दिमाग और दिल को उस पुरानी याद से। कुछ ताकत लेने अपने दिमाग और दिल को उस पुरानी याद से। एक तो हमेशा हरी रखती है, लेकिन फिर भी मुनासिब है कि हम उसको बार बार अपने सामने लाएं। मुनासिब करते उचित है कि हम उसको बार बार अपने सामने लाएं। उन उसूलों को, नियम को, उस सबक को, सबक करते पाठ को। तो मैं वहां गया और वक्त तस्वीर मेरे सामने आई और वक्त लफ्ज मेरे कानों में गूंजे, जो बरसे हुए हम सुना करते थे। और अब उनके सुनने से मगरूम हो गए। भगवान से यहां आपके सामने हाजिर हुआ और मेरा ख्याल दौड़ा इस आजकल के हिंदुस्तान की हालत की तरफ कि हम सब, आप, हम और इस मुल्क के रहने वाले, राष्ट्र के रहने वाले ये किस्ती पर है। किस्ती इसका अर्थ नाव पर है और किस्ती हिली तो हम सब डूबे। इस मुल्क के रहने वाले, इस राष्ट्र के रगने वाले ये नाव पर है। अब किस्ती इली, नाव इली तो हम सब डूबे। एक कोई एक न कोई समझे कि अगर मुल्क गिरे तो कोई बच जाता है, बच जाता है। अगर मुल्क आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़ते हैं। अगर राष्ट्र देश आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझना है कि हमारा नाता क्या है और रिश्ता क्या है। आपस में आप बहस करें, अलग अलग दल और अलग अलग पार्टी बनाए और चुनाव में जाए, लेकिन आपस में आप बहस करें, अलग अलग दल और अलग अलग पार्टी बनाए और चुनाव में जाए, लेकिन बट हमारा नाता और रिश्ता जबरदस्त और हर वक्त का है। और खासकर इस वक्त जबकि दुनिया में खतरा और हमारे मुल्क में तरह तरह के बागरी और अंदरी खतरे हैं, हमारे राष्ट्र में, हमारे मुल्क में तरह तरह के बागरी और अंदरूनी खतरे हैं, तब और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी छोटी छोटी बातों को दबाए और गिराए और अपने को बलवान करें, तगड़ा करें, इसका अर्थ बलवान करें, मजबूत करें और आपस में एकता करें। हम अपनी छोटी छोटी बातों को दबाए और गिराए और अपने को बलवान करे, मजबूत करे और आपस में एकता करे। हम आपस में एकता से रखना चाहिए, मजबूत और बलवान से रखना चाहिए। यदि हम अपनी छोटी छोटी बातों को दबाए और गिराए
और अपने को बलवान करे, मजबूत करे, आपस में और आपस में एकता करे, हम आपस में एकता से रखना चाहिए। याद रखिए हम 40 करोड़ लोग हैं उस समय, कहते हैं कि हम 40 करोड़ लोग हैं। नेहरू जी ने कहा कि याद रखिए हम 40 करोड़ लोग हैं, जागी रहे कि कोई 40 करोड़ हिंदुस्तान में फरिश्ते नहीं है, कमजोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं, कमजोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं। कई लोग ऐसे भी है कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करे, सब तरह के लोग मुल्क में रहते हैं। इधर हमारे मुल्क में, राष्ट्र में सब तरह के लोग रहते हैं। इधर कमजोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं, कई लोग ऐसे भी है कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करे, सब तरह के लोग मुल्क में होते हैं, राष्ट्र में होते हैं। तो हमें इस बात की घबराना नहीं, इस बात को देखकर हम घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बाहर के मुल्कों से लोग आ सकते हैं झगड़ा फसाद करने, क्योंकि हर एक जानता है कि आखिर में ताकत मुल्क में अमन और एकता कायम करने से ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बेवकूफी से या अपनी जहालत से, और कुछ लोग समझ बूझ कर झगड़ा पैदा करते हैं, ताकि इसलिए कि मुल्क देश कमजोर हो। बागर के मुल्कों से लोग आ सकते हैं, बागर के मुल्कों से, देश से लोग आ सकते हैं झगड़ा फसाद करने, क्योंकि हर एक जानता है कि आखिर में ताकत शक्ति मुल्क में अमन और एकता कायम करने से होते हैं। लेकिन बट कुछ लोग तो बेवकूफी से या अपनी जियालत से, और कुछ लोग समझ बूझ कर, कुछ लोग समझ बूझ कर झगड़ा पैदा करते हैं, कुछ लोग समझ बूझ कर झगड़ा पैदा करते हैं ताकि मुल्क कमजोर हो, इसलिए कि देश कमजोर हो। बाकी विषय को अगले वर्ग में पढ़ लेंगे। ग्रह कार्य, आज की हालत। इधर दो अनुच्छेद है, इनमें अनेक कठिन शब्द है, इन कठिन शब्दों को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।